हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम्स में प्रो प्लस के एसीडी में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए जो आज मैच चलाएगा राजस्थान वर्सेस कोलकाता के बीच में उसकी वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ताकि आपको वीडियो मिस कर पाए। तो फ्रेंड्स, मैच में आपको दोनों की प्लेइंग इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन के साथ में मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन के एंड में मतलब कि ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके इसमें हम आपको दोनों की मतलब कि कुछ न्यूज दे दूंगा, एक्स्ट्रा न्यूज। और मैं आपको दो टीम बना के दूंगा, एक ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की। उसमें हम आपको टिप्स भी दे दूंगा ग्रैंड लीग के लिए, कैप्टन वाइस कैप्टन की ट्रिक्स भी दे दूंगा और कुछ प्लेयर के भी ट्रिक्स दे दूंगा जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएंगे। तो आप बाद में वीडियो स्टार्ट होने मतलब जो मैच स्टार्ट होने से समथिंग विद इन एक या डेढ़ घंटे पहले आपकी सेल पर विजिट करके आप जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ नीचे आप वहाँ पर कुछ मतलब कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं दोनों की प्लेइंग इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन और कुछ न्यूज। बात करते हैं फर्स्ट प्लेइंग इलेवन की। प्लेइंग इलेवन है जो कि कोलकाता की, इसमें है इसमें जो फ्रेंड्स कुछ न्यूज़ भी है तो न्यूज़ में आपको बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूज से, प्लेइंग इलेवन से। तो प्लेइंग इलेवन है यहाँ पर जो इन बैटिंग ऑर्डर, क्रिस लिन, सुनील नारायण, रॉबिन उत्थप्पा, नितेश राणा, क्रिश कार्तिक, शुभम गिल, एंड्रे रसल, कर्टन या मिचेल जॉनसन, दोनों से एक खेलेगा। उसके बाद शिवम मावी और उसके बाद है पीयूष चावला और कुलदीप यादव। तो फ्रेंड्स, ये होगी प्लेइंग इलेवन कोलकाता की। और अब बात करते हैं राजस्थान की जो प्लेइंग इलेवन होनी चाहिए। राजस्थान यार बहुत वीक वीक टीम बन गई है। इसमें एज कैप्टन अजिंक्य रहाणे, डी शॉट या कैल्सन, दोनों से एक खेलेगा क्योंकि जो डी शॉट है वो मतलब उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। सो हो सकता है कि उनकी जगह पे कैल्सन आज खिलाया जा सके, मौका मिल सकता है। उसके बाद बात की फ्रेंड्स, संजू सैमसन, बेन स्टोक, राहुल त्रिपाठी, जोश बटलर, कृष्णप्पा गौतम, बेन लंगिन या जोफर अच्छे, दोनों में से कोई एक खेलेगा। उसके बाद श्रेयस गोपाल, फिर उसके बाद हैं धवल कुलकर्णी और जयदेव उनादकर। तो फ्रेंड्स, ये हो गए दोनों की प्लेइंग। अब बात करते हैं दोनों की इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकती है। यहाँ पर है पहले बात करते हैं केकेआर की। तो इसमें क्रिस लिन, रॉबिन उत्थप्पा, सुनील नारायण, दिनेश कार्तिक, आंड्रे रसल, कुलदीप यादव, नीतीश राणा और पीयूष चावला। तो फ्रेंड्स, ये हो गए दोनों की सॉरी केकेआर की इंपॉर्टेंट प्लेयर। और अब बात करते हैं राजस्थान की इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में। तो इसमें फ्रेंड्स अजिंक्य रहाणे, बेन स्टोक, जोश बटलर, संजू सैमसन, के गौतम, एस गोपाल, जयदेव उनादकर और फ्रेंड डी शॉट जो कि आपके लिए थोड़े रिस्की हो सकते हैं। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो कैप्टन वाइस कैप्टन की, जो कि इसमें से आप अपनी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए आपके लिए तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों के लिए। तो बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, यहाँ पर अजिंक्य रहाणे जो कि उतने अच्छे फॉर्म में चल रहे, बेन स्टोक, जोश बटलर, संजू सैमसन। फ्रेंड संजू सैमसन को बहुत लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया क्योंकि इसमें मतलब कि हाईएस्ट मतलब लीड कर रहे हैं इन बैटिंग ऑर्डर में और पूरे आईपीएल में बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं 2018 के इस आईपीएल टूर्नामेंट में, अभी भी चल तो रहा है, आगे देखते हैं। उसके बाद हैं सुनील नारायण, रॉबिन उत्थप्पा, क्रिस लिन, आंड्रे रसल और नीतीश राणा। तो फ्रेंड्स, ये भी दोनों की प्लेइंग इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन। और अब बात करते हैं जो कि कुछ न्यूज़। और फर्स्ट बात है पिच में, तो ये फ्रेंड्स ये मैच खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो जोधपुर में है। और फ्रेंड्स इसमें बात करते हैं कि टोटल यहाँ पर जो आईपीएल की में 34 मैच हुए आईपीएल के, तो उसमें से जो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम है वो 11 मैच जीती, जो सेकंड बैटिंग करने वाली है वो 23 मैच जीती है। और यहाँ पर जो फर्स्ट एवरेज बैटिंग स्कोर है वो है 155, जो सेकंड एवरेज स्कोर है 140 है। और यहाँ पर हाइएस्ट जो कि हाइएस्ट बैटिंग रिकॉर्ड है वो है 197/5 19.4 ओवर में, और बॉय राजस्थान वीएस दिल्ली डेक्कन चार्जर्स। और अब बात करते हैं जो लोएस्ट स्कोर है, इसमें 92 रन फॉर 10 विकेट, मुंबई इंडियंस वीएस राजस्थान। तो और जो पिच है वो मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों से सपोर्ट करती है, बट थोड़ी सी डट मतलब कि डेट पिच रहेगी तो थोड़ी सी स्पिन के लिए काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ न्यूज़ की। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर न्यूज़ जो है बात करते हैं फर्स्ट राजस्थान की न्यूज़ के बारे में, जो कि डी शॉट है वो उतने अच्छे मतलब उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो हो सकता है कि उनकी जगह पे कैल्सियम को लिया जा सकता है, बट बहुत ही कम चांस है। तो दो की दोनों ही रिस्की होंगी आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते, बट पहले आप चेक के लिए कि मतलब कि दोनों से किसी सबसे मतलब क्या जाए, जो अगर कम लोगों ने लिया हो तो आप जरूर लीजिए। तो आप एज एन कैप्टन वाइस कैप्टन एज एन एक रिस्क के साथ जाइए तो हो सकता है आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाए।
और उसके बाद बात करते फ्रेंड्स सभी हम सैमसंग बहुत अच्छे फॉर्म है तो आप चाहेंगे कैप्टन बास्केट में बनाते इन स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग में बनाएंगे तो आपकी रैंक क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स बेन स्टॉक भी लगे थोड़े से मतलब डामा डबल डोल चल रहे हैं बट बड़े बैट्समैन हैं एंड टाइम फायर कर सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स जोफर अचेर जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा चांस खेलने का है बेन लंगी की जगह पे तो देखते हैं लेक्सी फ्रेंड्स जो कि एस गोपाल और के गौतम है वो दोनों लीड करेंगे स्पिन बॉलिंग को जैसे उनादकर और धौलपुरी कुलकर्णी जो है वो इतने अच्छे बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं बट लीड करेंगे बॉल फास्ट पेस बॉलिंग को। और बात करते अजिंक्य रहाने डी एचर या कैल्सन जो भी डी शॉट या डी एच एन सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ डी शॉट और कैल्सन की में से जो भी खेलेगा वो ओपन करेगा जहाँ तक चांस है कैल्सन ही सॉरी डी शॉट ही खेलेंगे। और बात करते हैं फ्रेंड्स जो स्पॉटर थे एक अच्छे बैट्समैन नहीं है तो आप चाहे उन्हें मिडल में ले सकते हैं। और अब बात करते हैं केकेआर की तो फ्रेंड्स केकेआर बहुत ही अच्छी मतलब की फॉर्म चल रही थोड़ी सी हारी टीम में बनी रहती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स जो पूरी टीम है वो आंद्रे रसल रॉबिन दिनेश कार्तिक पे ही आगे सिमट जाती है और कभी कभी नितीश राणा भी आगे थोड़ी बहुत हाथ साफ कर लेते बट बाकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। फ्रेंड्स उसकी बात करें फ्रेंड्स जो कि एक न्यूज़ है जो कि कमलेश नागरकोटी है ये आईपीएल से बाहर हो चुके हैं एज इंजरीज की वजह से तो आप हिम्मत लीजिए अगर आप नहीं लेंगे तो आपके खाली बस लॉस होंगे आपके कोई फायदा नहीं होगा वीडियो बनाने बहुत गर्मी लग गई है। तो फ्रेंड्स कैल्सन सॉरी जो कि कमलेश नागरकोटी इन्हें मत लीजिएगा क्योंकि वो नहीं खेलेंगे किसी भी आईपीएल मैच में नहीं खेलेंगे वो इंजरीज की वजह से बाहर हो चुके हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद बात करें फ्रेंड्स टॉम कटन हो सकता है कि थोड़ी से रिस्की हो जाए तो हो सकता है कि शायद मिचेल जॉनसन को वापस लेके आया जा सकता है उनकी जगह पे। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स जो कि एस गिल और ईशान जग्गी हो सकता है कि रिप्लेसमेंट हो जाए इन दोनों में से किसी एक का तो देखते हैं। और जो कि उसके बाद उतनी अच्छी खास कुछ न्यूज़ नहीं है तो फिर चाहिए कुछ न्यूज़ जो प्लेंगे 11 कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। और अगर मुझे कुछ न्यूज़ मिलती है तो आपको अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो आपको जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है मैं उसमें आपको ऐड कर दूँगा तो आप उसके प्लीज़ वीडियो पे आ जाइए अगर आप फोकस कर दो ठीक है।